हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है इंश्योरेंस में लिंक्स ग्रुप। सो जनरली इंश्योरेंस में हम लोग लिंक्स ग्रुप्स का कैसे वर्क करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है लिंक्स ग्रुप, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हाइपर लिंक। तो चलिए हाइपर लिंक होता क्या है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं आपको कि हाइपरलिंक और लिंक आप समझ रहे हो, लिंक का मतलब क्या होता है कि जनरली अगर मैं यहां पे लिखता हूं डाउनलोड, ओके, तो आपके साथ ऐसा बहुत सा केसेस, अगर आप मोबाइल्स चला रहे हो, कंप्यूटर्स पे आप आते हो, तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो जो भी पर्टिकुलर डेटा है वो डाउनलोड होके आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इस शब्द से किसी अदर पेज का लिंक बना हुआ है। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर एग्जांपल्स मैं लिखता हूं यहां पे गूगल, ओके, तो मतलब अगर गूगल कहीं लिखा हुआ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गूगल पे अगर मैं क्लिक करूं तो google.com ओपन हो जाए। सपोज मान के चलो यहां लिखा हुआ है काइट इंस्टीट्यूट, ओके, तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कहीं ना कहीं कि काइट इंस्टीट्यूट पे मैं क्लिक करूं तो काइट इंस्टीट्यूट वाला पेज ओपन हो जाए। तो दैट मीन्स कि ये जो शब्द है, ये जो पर्टिकुलर शब्द है, इससे मैं लिंक करना चाह रहा हूं किसी पर्टिकुलर पेज को, तो ये इसके लिए यूज होता है हमारा हाइपरलिंक का। आप पर्टिकुलर पेजेस को वेब पेज से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप पर्टिकुलर पेजेस को किसी डॉक्यूमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा यहां पे माय डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल्स, ओके, तो मैं किसी भी पेजेस से, किसी भी डॉक्यूमेंट से या किसी भी वेब पेज से कनेक्ट कर सकता हूं। फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूं इस काइट इंस्टीट्यूशंस को। तो आप इसके लिए हाइपरलिंक यूज करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, सिलेक्ट करो, ओके, सिलेक्ट करने के बाद आप हाइपरलिंक पे आ जाओ। नाउ यहां पे एड्रेस मांग रहा है आपसे, तो एड्रेस आपको कुछ इस तरह से डालना है। एड्रेस कैसे, मान के चलो काइट का जो एड्रेस है, तो एड्रेस में आपको लगाना होता है http देन kiteinst.com। मैंने काइट का वेब एड्रेस डाला एंड ओके कर दिया। देखो यहां पे इसकी जो है वेब एड्रेस आ गई, सॉरी, इसकी शॉर्टकट्स भी होती है Ctrl+K। यहां से फिर से मैं लिखता हूं और यहां से ओके करता हूं, ठीक है, चलो काइट आइनस्टी कनेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूं, चलो मैं इसे रन करके दिखा रहा हूं कैसे आपको काम करना है, रन कैसे करना है। तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करो कंप्यूटर से, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होगा, एंड देन इस पे क्लिक करो, या कर्जर आप लेके जा रहे हो तो ये बता रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करो तो लिंक्स आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं यहां पे कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूं और थोड़ा सा वेट करो। देखो ये खुद वेब पेज से कनेक्ट हो रहा है, और ये कनेक्ट होने के बाद काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का जो पेजेस है, ऑफिशियल पेजेस, वो ऑफिशियल पेजेस को वो ऑन कर देगा। देखो ये ऑन कर दिया काइट की ऑफिशियल पेजेस। तो जनरली बहुत ही आसान तरीके से ये काम कर रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हो। चलो मैं दूसरा ऑप्शन पे काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगा, फिर से हाइपरलिंक पे आऊंगा, और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, लाइक मान के चलो मुझे इससे कनेक्ट करना है, तो मैं क्लिक करके ओके करता हूं, ठीक है। अब मैं फिर से कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो ये वर्ड वाला डॉक्यूमेंट से कनेक्ट है, बस मुझे यस करना है कंटिन्यू के लिए। तो देखो ये नया पेज ओपन कर दिया है ना, कि नया पेज ओपन कर दिया। जनरली हमारे डॉक्यूमेंट से भी ये कनेक्ट हो रहा है, तो जनरली हाइपरलिंक्स का काम होता है डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होना, ओके। डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर शब्द को, तो आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास बुकमार्क। चलो बुकमार्क में बताता हूं ये कैसे काम करता है। सपोज मैं ऐसा करता हूं, मैं 2-3 पेजेस ले लेता हूं। सपोज इस पेज का नाम मैंने रखा कि ये page 1, This is my first page। Suppose ये मेरा पहला पेज है। उसी तरह से मुझे दूसरा पेज लेना है, तो मैंने बताया था आपको नया पेज लेने के लिए आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करो। तो यहां पे दूसरा पेज, इस पे भी मैं लिख देता हूं This is my
सेकेंड पेज, ओके। चलो मैं एक और पेज ले लेता हूँ, आपको अगर दिख नहीं रहा है तो आप, मैं छोटे छोटे यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको पेज दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पेज वन है मेरे पास, दिस इज माई सेकेंड पेज, और एक पेज मैं ले लेता हूँ तो कंट्रोल एंटर शॉर्टकट होता है, तीसरा पेज मेरे पास अब आ गया। इस पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज माई थर्ड पेज। तो जनरली अभी मेरे पास तीन पेजेस अवेलेबल है ना। देखो आप यहाँ से थोड़ा छोटा मैंने किया तो आपको ये तीनों पेजेस दिख रहा है बहुत अच्छे से, ओके। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज है कि मैं ऐसा एक बटन जनरेट करूँ लिफ्ट। सपोज एग्जांपल्स में अगर मैं लिफ्ट की बात करूँ तो लिफ्ट में अगर वन बटन प्रेस करते हो तो फर्स्ट फ्लोर, टू प्रेस करते हो तो सेकेंड फ्लोर, थ्री प्रेस करते हो तो थर्ड फ्लोर पे आपकी जो लिफ्ट है वो पहुंच जाती है। तो एज इट इज मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज है कि बुकमार्क में मैं यहाँ पे पेज वन, पेज टू और पेज थ्री तीन बटन्स बना दूं, पेज वन पे क्लिक करके जैसे गो करूं पेज वन पे चला जाए पेज टू। तो आप ऐसे हजारों पेजेस के लिए बना सकते हो या कोई भी पर्टिकुलर खास पेजेस के लिए बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप वन टू, आपको मूड है कि 100 नंबर के पेज पे मेरा कुछ खास चीज है तो आप उसके लिए बुकमार्क्स एक बटन्स बना लो। तो ये बटन्स कैसे बनेगा, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल्स लेके आपको मैं दिखा रहा हूं। तो अभी मैं कर्सर यहां पे क्लिक कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। मैं कर्सर यहां पे रखता हूं, ओके। ये मेरा फर्स्ट पेज है तो ऐसा करता हूं मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूं। ये मेरी सेकेंड पेज है तो इस पे मैं दूसरी कलर रख लेता हूं, और ये मेरी थर्ड पेजेस है तो इस पे मैं कोई अलग कर लेता हूं। अब मुझे बुक करना है ये तीनों पेजेस को, क्लिक कर रहा हूं मैं फर्स्ट पेजेस पे, यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूं। अगर आपको बटन्स बनाना है तो जिस पेज पे बटन्स बनाना है उस पेज पे आप कर्सर रखो, एंड देन आ जाओ बुकमार्क पे, इसका नाम डाल रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल्स पेज वन या पेज वन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आप इसमें कोई स्पेस ना डालो, है ना, नाम लिखने वक्त ऐड कर लो, ओके। फिर मैं कर्सर को पेज इस पे रखता हूँ, पेज टू पे बुकमार्क पे आऊंगा, इसका नाम डाल देता हूँ पेज टू, ऐड कर लेता हूँ। फिर मैं क्लिक करके पेज थ्री पे आऊंगा, बुकमार्क पेज थ्री, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड। तो अब मेरे पास, अभी आप देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ कुछ साइज पेज की थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ, है ना। चलो मैं बुकमार्क ओपन करता हूँ, कहीं पर भी आप ओपन कर सकते हो। अब मुझे पेज वन में जाना है ना, तो देखो पेज वन पे क्लिक गो, कर्सर पेज वन पे, पेज टू पे जाना है गो, कर्सर पेज टू पे, एंड मुझे जाना है पेज थ्री पे तो पेज थ्री गो। आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे से हमारा जो है पेजेस वो कनेक्ट हो गया, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस। ये वाला जो लिंक्स ग्रुप है, मे बी आप इसको दो चार बार यूज करो मेरी वीडियोस को, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप दो तीन बार सामने खोल के फिर आप कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको दिक्कत जनरेट होगा लेकिन एक से दो बार अगर आप तीन बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस, ओके। देखो क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, ऐसा कुछ है मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज कि मान के चलो मैं ऐसा करता हूँ कुछ पेजेस पे कुछ पैराग्राफ्स लिख लेता हूँ, है ना। कुछ मान के चलो मैं ये पेजेस वन को यहाँ पे रखता हूँ खाली, कंट्रोल एंटर से पेज टू पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सपोज दिस इज माई पेज, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ भी, अगर कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ पे डमी कंटेंट के लिए F1 बटन प्रेस करके कुछ डमी कंटेंट ले लेता हूँ, है ना, ओके। ओके, मैंने डमी कंटेंट स्पेस पे ले लिया, कंट्रोल एंटर करके मैं डमी कंटेंट यहां पर भी पेस्ट कर लेता हूं
और कंट्रोल एंटर करके मैं डमी कंटेंट यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो देखो तीन पेजेस पे मेरा डमी कंटेंट है, इसको मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल्स चैप्टर वन, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इस पे होम से स्टाइल पे आऊंगा और मैं यहां पे डाल देता हूं हेडिंग वन। ओके, इस पे भी मैं लिख देता हूं चैप्टर टू, सिलेक्ट करो और इस पे भी लेके आ जाता हूं हेडिंग टू। ओके, चैप्टर थ्री और मैं इस पे भी रख देता हूँ हेडिंग वन। ओके, नाउ अब मैं कर्जर लेके पहला वाला पेजेस पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके लिए कुछ टेबल बनाऊँ। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। आप इसको सजा सकते हो अपने हिसाब से कंट्रोल यू प्रेस करके। चलो अब मैं क्या करता हूँ, आता हूँ क्रॉस रेफरेंस पे, क्रॉस रेफरेंस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तो यहां पे मैं ऐसा करता हूं, क्लिक करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं हेडिंग, हेडिंग चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री इंसर्ट, सबसे पहले चैप्टर वन। देखो इंसर्ट हो गया ना, एंटर करो चैप्टर टू, फिर एंटर करो, यहां पे कर्सर नीचे लेके आ जाओ और चैप्टर थ्री। तो देखो अभी हमारा यहां पे क्या हुआ, चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री जो है ये इंसर्ट हो गया, है ना। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा लेता हूं। सॉरी, ओके, अब मैं यहां फिर से कर्सर रखता हूं और क्रॉस रेफरेंस पे मैं आऊंगा और अब यहां से मुझे पेज नंबर चाहिए इसके लिए, चैप्टर वन के लिए। तो मैं पेज नंबर पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और इंसर्ट। ओके, फिर मैं इस पे कर्सर रखता हूं, पेज टू का कौन सा पेज नंबर है, यहां से चैप्टर टू पेज नंबर इंसर्ट। फिर यहां पे कर्सर रखता हूं चैप्टर थ्री पे क्लिक और चैप्टर थ्री का मुझे पेज नंबर पता फोर। ओके, नाउ देखो मेरा ना ये टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो गया। अब आप किसी भी डिजाइन में इसे बना सकते हो, थोड़ी आप अच्छे हिसाब से लुक फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह आप अलग स्टाइल्स मेंटेन कर सकते हो। फिलहाल मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा, इसलिए देखो भाई अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो थोड़ी इंक्रीज, वीडियो की जो लेंथ होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो, तो दिक्कत जनरेट थोड़ा होता ही है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी है कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसे देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मुझे चैप्टर टू में जाना है ना, तो देखो यहाँ पे वही कंट्रोल के साथ लिंक फॉलो करना है। पहला बात तो मुझे चैप्टर टू बता रहा है कि तीन नंबर के पेज पे और मुझे पहुंचना है चैप्टर टू पे, क्लिक करो। देखो चैप्टर टू पे कर्सर आ गया ना चैप्टर वन से, फिर से अगर मुझे चैप्टर थ्री पे जाना है कर्सर क्लिक करो चैप्टर थ्री पे आ गया। तो फ्रेंड्स इसका हेल्प आपने आपको समझ में आया होगा कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप बुक्स वगैरह बना रहे हो तो इसकी यूज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस का। तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक कि इससे रिलेटेड टोटल क्लासेस समझ में आया होगा, हैपलिंक बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। आई थिंक आपको दिक्कत जनरेट होगा इस वाले लिंक्स ग्रुप में, थोड़ी डिफिकल्ट है बट आप इसे दो चार बार आप करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई भी इश्यूज जनरेट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो, और अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।